हेलो फ्रेंड, कृष्णा फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ते गोभी का पकौड़ा कढ़ी। पत्ते गोभी का पकौड़ा कढ़ी के लिए हमने लिया है एक छोटा पत्ता गोभी, जिसको हमने कटिंग कर लिया है। चने का दाल, चने के दाल को हमने 2 घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया था, ये भिगोया हुआ दाल है। 2 बड़ा प्याज कटिंग किया हुआ, मसाले के लिए हमने प्याज कटिंग कर लिया है। 1 प्याज कटिंग किया हुआ, बारीक कटिंग किया है तड़के के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, हरा धनिया, मिर्च, जीरा और हींग। आइए अब हम बनाते हैं पत्ते गोभी का पकोड़ा कढ़ी। सबसे पहले हम चने का दाल जो हमने भिगोया था, इसे हम ग्राइंडर कर लेंगे। एक जार में हमने डाल दिया है, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे हम दरदरा करके पीस लेंगे। भिगा हुआ चने की दाल को हमने पीस लिया है, अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम पत्ते गोभी पकौड़े कढ़ी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। एक जार में हम कटिंग किया हुआ प्याज डालेंगे, साबुत गरम मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे और मिर्च डालेंगे। मिर्च आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही मिर्च डालें, हमने यहाँ पे 4-5 डाला है। सारे साबुत मसाले को हमने जार में डाल दिया, इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है, अब इसे रख देंगे। जो हमने दाल पीस के रखा था इसमें हम पत्ता गोभी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे और जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने दे दिया था, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल डालेंगे पकौड़े को तलने के लिए। तेल हमने डाल दिया है, तेल को गर्म होने के लिए दे देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पकौड़े को फ्राई करने के लिए देंगे। ऐसे करके हम इसमें देते जाएंगे। इधर से हम एक एक करके इसमें देते जाएंगे। पकौड़े को हमने फ्राई होने के लिए दे दिया है, इसे एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरी साइड इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो हमारा पकौड़ा जल जाएगा, इसलिए हमने मीडियम पे रखा है। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे। एक एक करके ऐसे हम पलट देंगे। सारा हम पलट देंगे एक एक करके। सारा हमने पलट दिया है, अब दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे।
इसी तरीके से दोबारा हम डालेंगे, दोबारा इसी तरीके से डालना है। इस ढंग से लेंगे और इस ढंग से इस तरीके से डाल देंगे, दोबारा हम डाल रहे हैं, दोबारा उसी तरीके से हम पकौड़े को तलने के लिए डाल देंगे। एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद दूसरी साइड हम पलट देंगे, दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। पकौड़े को हमने तलने के लिए दे दिया है, अब इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। सारे पकौड़े को हमने फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में बचे हुए तेल में हम तड़का लगाएंगे, मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और प्याज डालेंगे। प्याज को हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। प्याज को हमने भून लिया है, हमने जो मसाला तैयार करके रखा था उस मसाला हम डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। और अब इसे हम भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिया है, अच्छे से भुना गया है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। इस बर्तन में हमने पकौड़े के लिए रखा था उसमें हमने पानी डाला है, 2 गिलास हमने पानी डाला है। ग्रेवी आपको जितना पसंद है उतना ही आप पानी डालें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए पानी और इसे उबलने देंगे। अब इसे हम उबलने देंगे, जब ये उबल जाएगा तो पत्ते गोभी का पकौड़ा इसमें हम डाल देंगे। ग्रेवी हमारा उबल चुका है, इसमें हम सारे पकौड़े को डाल देंगे, एक एक करके ऐसे डाल देंगे सारे पकौड़े को। सारे पकौड़े को हमने डाल दिया है, इसे 5 मिनट के लिए हम फिर से उबलने देंगे। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक के लिए उबलने देंगे। जब हमारा पकोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा गैस को हम बंद कर देंगे। पत्ते गोभी का पकोड़ा कढ़ी बन के हमारा तैयार हो चुका है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं पकोड़ा। ये सॉफ्ट हो चुका है, पत्ते गोभी का पकोड़ा कढ़ी बन के तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बना है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, अपने अनुभव हमारे चैनल पे शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।